थैंक यू वेरी मच। मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तमाम लीडरशिप का, बिलखसूस हमारे जो लीडर हैं, कायद हैं, सजाद गनी लोन साहब, उनका बड़ा मशकूर हूँ। बट साइमल्टेनियसली आई मस्ट से दैट आई फील आई एम नाउ शोल्डर्ड विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं कोशिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उनको लेकर जो हमारी पार्टी लीडरशिप की, बिलखसूस सजाद साहब की जो एक्सपेक्टेशन मुझसे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन पर खरा उतरूँ। एंड आई मस्ट से इट कि मैं किसी ऐसे ख़ानदान से नहीं हूँ कि जिसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, या मैं कोई अमीर ख़ानदान से नहीं हूँ। आई कम फ्रॉम ए वेरी एवरेज फैमिली। मैं उसके लिए अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी लीडरशिप का, अपने कायद सजाद साहब का बड़ा मशकूर हूँ। और ये नौजवानों के लिए एक नसीहत भी है दैट अब मैं कोशिश इंशाल्लाह ये करूँगा कि यूथ आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। मैं कोशिश करूँगा कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वॉल्व करें पूरे जम्मू कश्मीर में, और यूथ के पास जाकर अपनी जो पार्टी की पॉलिसीज़ हैं वो उनके सामने रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो यूथ है, आज का जो नौजवान है, वो सच के साथ है, सच पे मबनी जितनी भी आपकी सियासत है वो उसको अप्रिशिएट करेगी और आपके साथ जुड़ेगी। मैं तो कहूँगा जनाब, ये डेमोक्रेसी एट सेल है। आई फेल टू अंडरस्टैंड वट बीजेपी वॉन्ट्स टू प्रूव इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। आप 5 अगस्त से लेकर आज तक जो भी इकदाम बीजेपी ने उठाए, मैं कहता हूँ कि कश्मीर की बात नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात, उन्होंने लोगों को धकेल दिया है एक कॉर्नर में। पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन डेमोक्रेसी नाउ। एंड इससे मुझे लगता है कि जो हमारा जो पार्टी का भी मौकफ है, वी टाइम एंड अगेन से कि जहां पर जितनी भी खराबी हुई जम्मू कश्मीर में, उसका जो रूट कॉज है वो है 1987 की रिगिंग। मैं आपके जरिए आपके तमाम नाजरीन को ये बता देना चाहता हूँ कि दैट आवर लीडर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रेस्पॉन्डेड टू दिस। सजाद साहब का उसमें बाजारता रेस्पॉन्स आया। मैं ये कहूँगा कि जो 1987 की रिगिंग है, ये उससे ज़्यादा डिजास्टर्स होगा, ये उससे ज़्यादा। आपके आज के हालात आप देखें, आज के हालात, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा 1987 की रिगिंग है। ये मेरा भी मौकफ है, हमारे पार्टी का भी मौकफ है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये जो आज का जो सेटअप है कि आप कहते हैं, आपने मन भी बनाया है, आपके पास फिगर्स भी हैं, आप कह रहे हैं कि दैट वी आर गोइंग टू एड 25 लाख वोटर्स जो बाहर से होगी, मुझे लगता है कि ये फार मोर डिजास्टर्स होगा। और जिसका मुझे लगता है कि आप उसका फिर कंपेंसेट यहाँ के लोगों को नहीं करेंगे। दिस विल बी मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये डेमोक्रेसी पे ऐसा धब्बा होगा कि जिसको आप नहीं मिटा सकेंगे। मैं आपके नाजरीन को यहाँ जो इक्तदार में बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हिस्ट्री चेक करें। जब कभी भी लोगों के खिलाफ आवाज़ दबाने की कोशिश की गई या लोगों को उठने से रोका गया, तो उसके बड़े बुरे नतीजे हुए हैं। मैं आपके सामने वियतनाम की मिसाल देना चाहता हूँ। वियतनाम में क्या हुआ था? वियतनाम में वेस्टर्न पावर्स ने बाहर के लोगों को के जरिए वियतनाम को कंट्रोल करना चाहा, फिर दैट रिजल्टेड इन सिविल वार। तो गुजारिश ये रहेगी कि मेहरबानी करके आपने जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंट फील्ड बनाया है, प्लीज स्टॉप मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। प्लीज मेहरबानी करके आप यहाँ पर डेमोक्रेसी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेसी को आप बहाल करें, डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस को आप बहाल करें। ये जो स्टेप है, ये जो इकदाम है, इससे यहाँ पर हालात बद से बदतर होंगे। हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से मुअद्दबाना गुजारिश सेंट्रल गवर्नमेंट से ये है कि मेहरबानी करके आप इस प्रोसेस को यहाँ पर रोकें, ताकि यहाँ के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। पूरी जो नीयत है ना, नीयत ये खुल के आ रही है, दे वॉन्ट टू मैनिपुलेट थिंग्स हियर, और ये बिल्कुल खुल्लम खुला एक डाका है डेमोक्रेसी पे। अगर इसको नहीं रोका गया, मैं मानता हूँ कि ये एक डाका होगा डेमोक्रेसी पे। सिर्फ डाका नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी में एक ऐसा दाग होगा जिसको आप कभी भी साफ नहीं कर सकते। आपके सामने आपने एक्सपेरिमेंट किया है जनाब, 1987 की जो रिगिंग थी उससे यहाँ पर क्या हुआ। आज आप उसी चैप्टर को
दोहरा रहे हो, बल्कि मेरा मानना यह है कि उससे ज्यादा यहाँ जो हालात हैं उससे ज्यादा बिगड़ेंगे, खराब होंगे, और आप जम्मू कश्मीर के लोगों का जो विश्वास है डेमोक्रेसी पे वो बिल्कुल उठेगा। यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी दरखास्त रहेगी कि आप मेहरबानी करके आज आप सियासत बलाए ताक रखें, आज आप जम्मू कश्मीर की हित के लिए बात करें। मैं गुजारिश करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, मैं गुजारिश यहाँ के जितने भी हमारे ऑफिसर साहिबान हैं उनसे गुजारिश रहेगी, मेहरबानी करके आप डेमोक्रेसी को, आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मेहरबानी करके रेस्टोर करें। ऐसे चीज़ों से आप लोगों को, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, यहाँ के फैब्रिक जो डेमोक्रेसी का फैब्रिक है उसके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, और एक ऐसा दाग होगा कि जिसको आप फिर कभी नहीं धो सकते। जी Dayanand Sagar University. Live the dream.